अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ऑरेंज टी केक की लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अंडे डाल रही थी, तो मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें दो ऑलरेडी अंडे डाल चुकी हूँ और एक अंडा अब मैं डालने लगी हूँ। और ध्यान रखेंगा कि अगर आपके अंडे छोटे हैं तो तीन से ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं, अगर आपके अंडे का साइज़ बड़ा है तो तीन काफ़ी होंगे। और मैं बना रही हूँ टी केक, तो इसके लिए मुझे चाहिए है 1 कप चीनी। और मैंने चीनी को पीसा नहीं है, मैंने कास्टर शुगर चीनी यूज़ नहीं की, मैं नॉर्मल जो घर की शुगर होती है वो यूज़ की है। मैंने बहुत ही ईजी वे में ये रेसिपी बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, के कोई चीज़ पीसनी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ब्लेंडर में कर सकते हैं या नॉर्मल घर में जो विक्स होती है उससे भी आप बीट कर सकते हैं। पर यह कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, तो ब्लेंडर में कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। तो अब मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और 1 कप चीनी ले लूँगी, और जो मेजरमेंट कप होते हैं, अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो आप मेजरमेंट कप ले सकते हैं, ये जो बाज़ार से ईज़िली मिल सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने उसका 1 कप लिया है चीनी, नॉर्मल आप देख सकते हैं दानेदार चीनी है। मैंने अंडों के साथ डाल दी है, हल्के से अंडे को बीट किया था, नॉर्मल सा बस हिलाया था एक तरह का। और अब मुझे इतना बीट करना है चीनी और अंडे के मिक्सचर को कि ये काफ़ी इतना बीट करना है कि ये 3 से 4 हिस्से में हो जाए, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाए, तो फिर हम आगे से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं अपने अंडे और चीनी के मिक्सचर को अच्छे से बीट कर रही हूँ, और अच्छे से बीट करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने बीट कर रही हूँ, कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा वो टेक्सचर आ गया, और देख सकते हैं फुल क्रीमी टेक्सचर है। तो मैं ऑरेंज केक डाल रही हूँ, तो मैंने 2 ऑरेंज का जूस ले लिया था और वो डाल दिया है 1 कप। अब ध्यान रखेंगे कि ऑरेंज का जायका मीठा होना चाहिए, खट्टा होगा तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी और बिल्कुल जायका नहीं आएगा, और बीज बिल्कुल निकाल लेगा, बीज एक पे चला गया तो केक आपका कड़वा होगा। अब मैं इसमें 1 से 3 कप ऑयल डाल रही हूँ, इसी मेजरमेंट कप का 1 से 3 कप जो है ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल अपने घर के किसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, जो कप लेंगे उसी कप का आप सारी मेजरमेंट रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है, और अब मैं अपने अंडा और चीनी के मिक्सचर में ऐड कर लूँगी, और ऑरेंज का जूस भी है इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बीट करूँगी, बस। और अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस के चंद कतरे वनीला एसेंस, ये भी इजीली आपको किसी सुपरमार्केट से मिल जाएगा। और अब मैंने अपने मिक्सचर को एक साइड पे कर दिया, और अब आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो डाल लेते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया, जो मैंने चीनी के लिए इस्तेमाल किया था, मैं 1 कप ही मैदा लूँगी, आप देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/3 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी मीठा सोडा। आप देख सकते हैं मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, वन टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा, घर का सोडा होता है नॉर्मली, वो शामिल करूँगी। और मैं इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि एयर पास जो है वो, और अच्छे से मैदा में बेकिंग पाउडर और ये सब शामिल हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, क्योंकि ऑरेंज केक है तो ऑरेंज फूड कलर जाएगा, जिससे बहुत अच्छा मज़े का आएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा अपने अंडे चीनी और जूस के मिक्सर में अंडा शामिल कर रही हूँ, मैदा शामिल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे, हल्का सा बीट करेंगे।
इसमें आपने ध्यान रखें कि आपने बीटर बिल्कुल नॉर्मली चलाना है, अगर नहीं तो आप चम्मच से भी इसे फोल्ड कर सकते हो मैदे को, पर मैं बीटर से ही कर रही हूँ फिलहाल, आप देख सकते हो। और एक ही वे में चलाना है आपको, आपको नॉर्मली इधर उधर नहीं घुमाना, बस एक ही चक्कर में करना है। तो अब मैं अच्छे से इसे कर रही हूँ, और मैंने मोल्ड जो लिया है वो टी केक का लिया है, और मैंने उसे ग्रीस कर लिया है, और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर बटन पेपर लगा दिया है। पहले मैंने मोल्ड के अंदर ग्रीस ऑयल ग्रीस किया, फिर पेपर लगाया, फिर ऊपर ग्रीस किया। अच्छे से ग्रीस करने हैं चारों कोनों की तरफ ताकि आपका केक चिपके नहीं। आप देख सकते हैं मैंने अपने मोल्ड में ऑयल लगा चुकी हूँ, तो अब मैं अपना मिक्सचर इसमें इजीली डाल सकती हूँ। और आप मिक्सचर की वो देख सकते हैं, मेरा मिक्सचर की थिकनेस आप देख सकते हैं। इसमें कमाल सिर्फ बेकिंग में अंडे और चीनी के पीसने का है। और अब मैं इसे अपने मैं ओवन में बना रही हूँ, तो ओवन में बेक कर लूँगी 180 सेंटीग्रेड पे। 180 डिग्री पे मैंने ओवन में रख दिया है 20। यहाँ देख सकते हैं मैंने ओवन से अपना केक निकाल लिया, और कितना मज़ा और यम्मी सा मेरा केक रेडी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने केक को का बटन पेपर से मैंने ऐसे ही उठा लिया था, और अब मैं अपना इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसका पेपर हटा देती हूँ। और आप इसकी इंच में मेरी चौड़ाई देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी है, और कितना माशाल्लाह से फूला है, राइस हुआ अच्छा। और अब मैं को बाहर निकाल लेती हूँ, बटन पेपर से हटा लेती हूँ। गर्म बहुत है, थोड़ा सा एहतियात से करना पड़ेगा। और मैं इसी तरह कागज़ को पकड़ के कर लेती हूँ, और अब मैं अपना पेपर हटा लेती हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है ना हमारा केक। और मैं अब आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाऊंगी, लेकिन केक बहुत गर्म है, बहुत गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा वो होता है। तो ये आप साइडों से इसकी चौड़ाई देखें, और अब मैं अपने केक के स्लाइस काटूंगी। ये देखें बहुत ही स्पंची केक रेडी हुआ है मेरा, ये देख सकते हैं बहुत ही स्पंची है, बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ देख सकते हैं मेरा केक मैंने मोल्ड से निकाल लिया है आपके सामने, और कितना ही ज़बरदस्त मेरा केक रेडी हुआ। और मैं इसकी आपको सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ टच करके, कितना रेडी और कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। और अब मैं इसके केक स्लाइस काटने लगी हूँ, और आपको मैं एक स्लाइस काट के दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने चाकू की मदद से काट रही हूँ, तो कितना सॉफ्ट, और आपको केक हिलता हुआ दिख रहा है कि इतना सॉफ्ट रेडी हुआ है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकती अगर आपको लग रहा हो तो। ये देख सकते हैं और कितना यम्मी सा मेरा केक रेडी हुआ है। तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर फीडबैक देखें कि कैसा लगा आपको मेरी याद की रेसिपी, और घर में भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मैं अपने केक के स्लाइस काट लेती हूँ सारे के सारे एक ही साइज़ में। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है। आजकल सीज़न है ऑरेंज का जा रहा है, तो ज़रा आप भी ट्राई करेंगे घर में और सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बेकिंग लवर हैं तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ्री में आप देख सकें। और ये देख सकते हैं कितना यम्मी सा मेरा केक रेडी हुआ है, और बहुत ही यम लग रहा है, और थोड़ा सा हॉट है, तो खुशी भी हो रही है कि बहुत अच्छा केक बनाए। मैं आज ही मोल्ड लेकर आई थी टी केक का, और मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया है एक टी केक। और आप देख सकते हैं कलर कितना ऊपर ब्राउन ब्राउन और अंदर से येलो, इतना मज़े का लग रहा है।
और अगर आपको मेरी रेसिपी नहीं अच्छी, ये देखें मज़े का केक रेडी है आपके सामने। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।